बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइवर राइडर व्हीकल एक्सपेंसेस लॉग बुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह मैनेज कर सकते हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। बात करते हैं ये वाला जो फार्मेट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, तो इस वीडियो को हम दोबारा नए सिरे से हम इस फार्मेट को डिज़ाइन करते हैं। तो हम न्यू शीट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपनी का नाम टाइप किया, उसके बाद यहाँ पर ड्राइवर हेडर मैंने ये वाली हेडिंग टाइप की, उसके बाद व्हीकल एक्सपेंसेस लॉग बुक ये वाली हेडिंग हमने यहाँ पर टाइप की, उसके बाद एट स्टार्ट ऑफ पीरियड आप कहाँ से आपका जो पीरियड है स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एंड कहाँ तक हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर नंबर प्लेट मेंशन की गई है। तो उसके बाद नीचे यहाँ पर हमने डेट मेंशन की गई है, उसके बाद यहाँ पर आ गया आवर्स, वो कितने यहाँ पर आवर्स कंज्यूम हुए हैं टोटल, जो टाइम आउट है वो कौन सा है और जो रिटर्न टाइम है वो कौन सा है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उसका टोटल जो आवर्स आए हैं वो कितने लगे। उसके बाद जर्नी के बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है, कहाँ से कहाँ तक आपका जर्नी है, और उसके बाद ऑडोमीटर रीडिंग वो क्या है, स्टार्ट जो आपने जर्नी स्टार्ट किया उस वक्त जो रीडिंग है वो क्या थी, उसके बाद जो फिनिश रीडिंग है वो कौन सी है, और इसके बाद टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर आपका बना। और यहाँ पर हमने मेंशन किया रीज़न फॉर ट्रिप, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे किस पर्पज़ के लिए आप यहाँ पर जर्नी के ऊपर जा रहे हैं, और उसके बाद नीचे एंड के ऊपर हमने ऐड किया ड्राइवर सिग्नेचर। तो इस फार्मेट को हम डिज़ाइन करते हैं किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉप के ऊपर जो हेडिंग दी गई है इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, और इसको यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज करेंगे, मर्ज ऑप्शन में जाएंगे और इसको मर्ज या क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारी जो हेडिंग है वो यहाँ पर मर्ज हो चुकी है, और इनका जो रॉ का साइज़ है वो हम यहाँ पर बढ़ा देंगे, कंप्लीट रो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसको जो रो का साइज़ है वो यहाँ पर बढ़ा देंगे, और उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, और उसके बाद इन तीनों रो को सिलेक्ट करेंगे और इसमें कोई भी हम कलर फिल कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली जो रो है इसमें हम कोई और कलर फिल करते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर, और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो हम यहाँ पर 30 कर रहे हैं, और इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, और उसके बाद नीचे जो हेडिंग दी गई है इसको स्लाइड करेंगे और इनमें कोई और डिफरेंट कलर फिल कर लेते हैं, और टेक्स्ट कलर यहाँ पर वाइट करेंगे और इनका बोल्ड करेंगे, और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो हम यहाँ पर 30 कर रहे हैं। रॉ का जो साइज़ है वो थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पर फर्स्ट के ऊपर, इन दो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इनको यहाँ पर मर्ज करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर इसको भी दो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इनको मर्ज करेंगे और इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो टू है हम इसको यहाँ पर यहाँ ले जाते हैं और इसको भी मर्ज करेंगे, और इसको भी बॉर्डर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसको भी मर्ज कर देते हैं, और उसके बाद जो नंबर प्लेट आ रही है इसको भी यहाँ पर बैक के ऊपर करेंगे, और इसको भी स्लाइड करेंगे, और इसको भी मर्ज करेंगे, यहाँ पर इसको भी बॉर्डर अप्लाई करेंगे। ये जो नंबर प्लेट आ रहा है इसको हम थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले डेट है इसको मर्ज कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आवर्स, यहाँ पर इसको यहाँ तक स्लाइड करेंगे और इसको भी मर्ज करेंगे, और उसके बाद नीचे आउट आ गया टाइम और रिटर्न टाइम आ गया टोटल आवर्स, यहाँ पर हम इसको शॉर्टकट टाइप करते हैं टोटल आवर्स, और उसके बाद जर्नी आ गया इसको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको मर्ज करेंगे, और उसके बाद फ्रॉम एंड टू, और उसके बाद ऑडोमीटर रीडिंग इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको मर्ज करेंगे, और उसके बाद नीचे आ जाते स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट रीडिंग फिनिश रीडिंग, उसके बाद टोटल डिस्टेंस वो कितना बना, तो उसके बाद नीचे आ जाता है आगे रीज़न फॉर ट्रिप, इसको स्लाइड करने का इसका जो साइज़ हम बढ़ा देते हैं, और उसके बाद एंड के ऊपर आ जाता है ड्राइवर सिग्नेचर, और इसको भी यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, साइज़ जो है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर इसको मर्ज कर लेते हैं और इसका साइज़ हम कम कर देते हैं यहाँ तक, और इसको यहाँ तक कर देते हैं, ये वाला एरिया हम यहाँ पर बॉर्डर रिमूव कर देते हैं, और इसको यहाँ तक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, और इसके बाद इस कंप्लीट रो को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, और उसके बाद नीचे जहाँ तक आप ये टेबल जो है आप क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे इसको,
और इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करेंगे। बॉर्डर सेक्शन में जाएंगे और ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको भी ऑल बॉर्डर को सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे और उसके बाद जो ऊपर हेडिंग दी गई इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे और इसमें कोई हम कलर फिल कर लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद नीचे हम यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे डेट। सबसे पहले हम डेट टाइप करेंगे तो डेट ऐड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे टुडे। टैब बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद टाइम जो आउट हुआ है वो कौन सा टाइम है तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे टाइम और रिटर्न टाइम कौन सा है। तो अगर आपने इसको 24 आवर के में तब्दील करना है तो आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, तो नंबर फॉर्मेट में जाएंगे या कंट्रोल वन बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम नंबर फॉर्मेट में आ जाते हैं तो कस्टम के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा एएम एंड पीएम के हिसाब से हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे। यहाँ पर ये देखें जो टाइम है वो 24 आवर के हिसाब से मेंशन हो चुका है। उसके बाद जो टोटल आवर्स बने हैं वो कितने बने हैं तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, रिटर्न टाइम माइनस करेंगे आउट टाइम, एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब इसके ऊपर यहाँ पर जो एएम आ रहा है वो हम यहाँ पर रिमूव करेंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे आवर्स एंड मिनट, ओके करेंगे। यहाँ पर ये देखें जो टोटल आवर यहाँ पर आ चुके हैं और इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं, कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जो 00 आ रहे हैं यहाँ पर ये नहीं आने चाहिए जब तक हम ये वाली जो डेट एंटर करें, तो नीचे ये फर्स्ट के ऊपर जो 0 है यहाँ पर नहीं आना चाहिए, जब तक हम डेट 0 ऐड करें यहाँ पर तो तब ये वाला जो फार्मूला है ये अप्लाई होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे इफ़, टैब बटन प्रेस करेंगे और इस सेल का एड्रेस देंगे और इसमें ऐड करेंगे इक्वल बराबर है ब्लैक सेल के, तो ब्लैक सेल आ जाए, नहीं तो ये वाली जो डेट है वो नहीं तो ये वाला जो टाइम है वो कैलकुलेट हो जाए, तो एंटर बटन प्रेस करेंगे और इस फार्मूले को हम नीचे दोबारा ड्रैग कर देते हैं। अब ये देखें जैसे हम यहाँ पर डेट एंटर करेंगे तब ये फार्मूला वर्क करेगा, वरना ये फार्मूला जो है वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे जर्नी, कहाँ से कहाँ तक आपका जर्नी है, इसका जो साइज़ है हम बढ़ा देते थोड़ा सा। यहाँ पर हम जर्नी ऐड करेंगे फैसलाबाद टू लाहौर, यहाँ पर ऐड कर देते हैं फैसलाबाद टू लाहौर। उसके बाद यहाँ पर हम ऑडोमीटर रीडिंग वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे और ये हमारी स्टार्ट रीडिंग है और इसके बाद जो फिनिश रीडिंग आई है वो कौन सी है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना बना है तो वो कैसे करेंगे, इक्वल बटन प्रेस करेंगे और फिनिश रीडिंग माइनस करेंगे स्टार्ट रीडिंग, एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये हमारी टोटल रीडिंग आ गई। इस फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे और इसी फार्मूले को भी अगर आप चाहते हैं ये वाला जो जब तक ये डाटा पीछे बैक के ऊपर ना हो तो यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई ना हो तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे इफ़ ब्रैकेट और इस सेल का एड्रेस देंगे, अगर बराबर है, अगर बराबर है ब्लैंक सेल के तो ब्लैंक सेल आ जाए, नहीं तो यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है वो वाला डिस्टेंस आ जाए, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो रीज़न फॉर ट्रिप है वो कौन सी है तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे बिजनेस और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे ड्राइवर सिग्नेचर। तो ये वाला जो फॉर्मेट है हमारा डिज़ाइन हो चुका है, इसमें हम कोई और एक यहाँ पर अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं टाइम के ऊपर तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं।
और उसके बाद जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है इसको भी अभी यहाँ पर हम कलर फिल कर लेते हैं। हमारा जो फॉर्म 8 है वो रेडी हो चुका है। इसमें हम एक और एंट्री करते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट ऐड कर लेते हैं। इसी फॉर्म 8 इसी डेट को हम नीचे ड्रैग करते हैं, कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे और टाइम भी हमारा यही ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे। टाइम अगर आपने चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ देखें जो टाइम है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद जो जर्नी है वो हम यहाँ पर लाहौर से साइवर कर देते हैं और उसके बाद स्टार्ट मीटर रीडिंग क्या है तो इसी रीडिंग को हम यहाँ पर ले आते हैं, फिनिश रीडिंग को। और उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे फिनिश रीडिंग क्या बनी हमारी। ये हमारी फिनिश है, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर बना है वो आ गया। और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं रीज़न फॉर ट्रिप, बिजनेस ट्रिप। तो यहाँ पर ये देखें जो कैलकुलेट है वो यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ये देखें जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर वर्क आ रहा है। तो अगर आपने इसको प्रिंट लेना है तो आप कैसे करेंगे, कंट्रोल पी बटन प्रेस करेंगे। सबसे पहले पेज सेटिंग करेंगे, पेज सेटिंग में जाएंगे और इसको लैंडस्केप करेंगे। और इसका जो अगर आपने सेंटर अलाइनमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, मार्जिन में जाएंगे और हॉरिजेंटल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे। यहाँ पर ये देखें हमारा पेज है, पेज के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है और इसका पेज का जो साइज़ है वो भी यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो इसको जैसे आप प्रिंट करेंगे तो आपका जो पेपर है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल रेडी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।